ही बनेंगे सिंगर। हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ द डिजिटल सिंगिंग रियलिटी शो द वायरल सिंगर, an Algol Films production presented by Coco High and associated by First India, 94.3 My FM, Youth Nation, Primex, Suti Beats and Creative Kshetra. Last episode में हमने देखा कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हमारे contestants ने अपना talent दिखाया. उनमें से कुछ ने अपनी जगह top 20 में बनाई और कुछ का सफर अधूरा ही रह गया. तारों पे चल के चांद को छुएंगे, आसमां सपनों के मुट्ठी में रखेंगे, तारों पे चल के चांद को छुएंगे, आसमां सपनों के मुट्ठी में रखेंगे, आंखों में रख कर को रातों को जगेंगे, रखेंगे जीतेंगे घर जाएंगे सूरज हम चमकेंगे, जीतेंगे घर जाएंगे सूरज हम चमकेंगे, हम ही बनेंगे द वायरल सिंगर, हम ही बनेंगे द वायरल सिंगर। कुछ करके हम दिखाएंगे, माथे पे रखेंगे उम्मीदों की लकीरें, आँखों में रखेंगे सूरज के उजाले, हवाओं के इरादे आज हम बदलेंगे, जीतेंगे गरजेंगे सूरज सा हम चमकेंगे, जीतेंगे गरजेंगे सूरज सा हम चमकेंगे, हम ही बनेंगे स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी हमारी आज की जज प्रियंका भट्टाचार्य को। प्रियंका ने 6 साल की उम्र से सिंगिंग सीखना शुरू कर दिया था और आज वो एक म्यूजिक कंपोजर और प्लेबैक सिंगर है। अलोंग विद दैट शी कैन प्ले इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हारमोनियम, गिटार एंड कीबोर्ड। शी इज क्लासिकली ट्रेन्ड वोकलिस्ट दैट कैन बी क्लियरली हर्ड इन द सॉन्ग। आई गेस दैट इज द रीजन why she's a gold medalist with a master's in music all over India. So let's have the super talented Priyanka Bhattacharya. Hi everyone, and thank you so much Simran for the lovely introduction. मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जितना भी पाया है, वो मेरे मम्मी पापा और गुरु जी की कड़ी मेहनत और आशीर्वाद की वजह से है। और अगर आज के एपिसोड की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के परफॉर्मेंसेस सुनने के लिए, तो क्योंकि ये कंसेप्ट अपने आप में बहुत हैपनिंग और बहुत अनोखा है कि घर बैठे लॉकडाउन के टाइम पे लोग अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। तो इससे अच्छा तरीका और अनोखा तरीका इस सिचुएशन को टैकल करने का मेरे ख्याल से नहीं है। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ एनी सिंगिंग डिजिटल रियलिटी शो, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम कंग्रेचुलेटिंग एवरीवन कि आप यहाँ तक आए, and thank you so much, stay home, stay safe. Let's get started. इस लॉकडाउन में कोरोना वॉरियर्स के अलावा हमारे घर में भी एक वॉरियर है और वो है हमारी माँ, जो न जाने कितने सालों से हम सभी की रक्षा करती हुई आ रही हैं, बदले में बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। न सिर्फ वो हमारी खुशियों की दुआ करती हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के समय वो इतना काम करती हैं बिना कोई शिकायत किए, बस सिर्फ हमारी ख्वाहिशें पूरी करती जाती हैं। और ये डेडिकेट किया जाता है अपनी माँ के लिए,
आप सब की मदर्स के लिए जो ट्रू हमारे हीरो हैं, हमारे घर की हीरो हैं। तो आइए सुनते हैं जबलपुर एमपी की इशिता विश्वकर्मा को। कहते हैं मैं दिखती हूँ अपने माँ जैसी, सब कहते हैं सच कहते हैं। सब कहते हैं मैं गाती हूँ अपनी माँ जैसी, सब कहते हैं सच कहते हैं। मैं आई हूँ दवारल सिंगर में अपना वो सपना पूरा करने, जो सपना कभी मेरी माँ ने देखा था। आज का ये गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ हर उस माँ को, जिन्होंने इस आरामदायक क्वारंटाइन में पूरे दिन हमारे लिए काम किया, हमारे लिए मेहनत की। जब भी कभी विश्वकर्मा, बहुत ही खूबसूरती से गाया आपने ये गाना। एक ऐसा खूबसूरत सा थॉट जिनके बारे में कुछ भी कहें कम पड़ जाएगा। ये तो सृष्टि है माँ, और इतने अच्छे तरीके से आपने बखूबी इस गाने को गाया, और हमारे इस टॉप 20 में भी आप सिलेक्टेड हैं। सो ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई एम श्योर कि ये डिजिटल रियलिटी शो का जो एक्सपीरियंस है आपके लिए भी बहुत दमदार होगा। सो ऑल द बेस्ट। कभी सोचा नहीं मंजिल के बारे में, पर हर रास्ते पर जी जान लगा रहा हूँ, ऐ जिंदगी आगे बढ़ते जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज यशवंत मालवी, आई एम फ्रॉम नीमच, मध्य प्रदेश। नीमच इज अ वेरी स्मॉल टाउन गाइस। यहाँ पर म्यूजिक से रिलेटेड हमें कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती, कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं जिससे हम सीख सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर गुरु नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने हूँ, म्यूज़िक का शौक रखता हूँ बहुत ही छोटी उम्र से। 7 साल की उम्र से मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था, सीखा नहीं था क्योंकि फैसिलिटीज थी नहीं। लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब मुझे सीखने का मौका मिला, मैंने मेरे गोविंद गंधर्व सर से सीखा, और आज मैं म्यूज़िक में आप सभी के सामने हूँ। फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एज मैंने शोज करना चालू किए, मैंने म्यूज़िक में अपने आप को ग्रो किया है, और आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब इट फॉर मेकिंग माई करियर इन म्यूजिक। और द वायरल सिंगर इज द प्लेटफॉर्म विच गोना मेक दैट ड्रीम कम ट्रू। सो गाइस, हियर इज अ सॉन्ग फॉर यू ऑल। चुपके से कहीं धीमे पांव से, जाने किस तरह किस घड़ी आगे बढ़ गए हमसे राव में, पर तुम तो अभी थे यहीं। कुछ भी ना सुना कब का था गया, कैसे कह दिया अलविदा। जिनके दरमिया गुजरी थी अभी कल तक ये मेरी जिंदगी। लो उन बाहों को, ठंडी छांव को, हम भी कर चले अलविदा।
अलविदा अलविदा मेरी राहें अलविदा मेरी सांसें कहती है अलविदा 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 अब कहना और क्या जब तूने कह दिया अलविदा। आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। कुछ और क्लासिकल क्लासेस अगर ले पाए शास्त्रीय संगीत के तो मेरे ख्याल से आपके गले में जो एक हल्का सा कुछ रह गया है समथिंग इज मिसिंग वो पूरा हो जाएगा, तब आप किसी भी टाइप का गाना गा सकते हैं। शास्त्रीय संगीत इसीलिए जरूरी है हमेशा, बेसिक अगर तैयार रहेगा तो आप चाहे क्लासिकल गाइए चाहे बॉलीवुड गाइए चाहे वेस्टर्न गाइए यू विल बी द वेरी गाय राइट। सो ऑल द बेस्ट। आप इसको रिजेक्शन की तरह मत लीजिएगा यशवंत, क्या पता आप हमारे नेक्स्ट सीजन में वन ऑफ द विनिंग कंटेस्टेंट में से एक रहे। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक। दैट वाज अ सोलफुल परफॉर्मेंस बट अनफॉर्चुनेटली यशवंत हमारे टॉप 20 में अपनी जगह नहीं बना पाए, बट आई एम श्योर उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह जरूर बना ली है। कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र डल जाने से हौसला नहीं डल जाता और बाल सफेद हो जाने से टैलेंट कम नहीं होता। जी हाँ, व्हाट रियली मैटर्स इज योर पैशन फॉर सिंगिंग, और एज सच में बिल्कुल मैटर नहीं करती है। तो आइए हम देखते हैं ऐसे ही हमारे पैशनेट सिंगर्स को। सो लेट्स वॉच देम एंड अप्रिशिएट देयर परफॉर्मेंसेस। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी जिंदगी, मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी। बड़ी सोनी सोनी सताए, समझ ले न किरणों में हूँ। दम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। सांस की ले पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। Those were nice performances. See, I told you, talent के लिए कोई age limit नहीं होती। हम ही बने